मोटिव फोर्स बेटा, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और बेटे आप जब किसी भी सेल की, किसी भी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता है ना क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है, उनके बीच में जो फर्क है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट बेटा। जब आपके सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो, उसको बोल देते हैं ईएमएफ। ईएमएफ टर्म तब आती है जब आप अपने सेल के करंट को यूज नहीं कर रहे हो, आपका सर्किट ऑफ पड़ा है, उस टाइम पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, या मैं यूं कह दूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। सो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे टू डिफाइन ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पता ही है क्या होता है, और वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका सर्किट स्विच ऑफ होगा तभी होगा। अगर आपका सर्किट स्विच ऑन है तो अप्लायंसेस के क्रॉस तो उसका पोटेंशियल यूज हो रहा है, दैट विल नॉट बी मैक्सिमम। सो जब जब आपका टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, डिफरेंस मैक्सिमम होगा, उसको आप ईएमएफ कह सकते हो। या ये कह दो कि जब आपने सर्किट बंद करके रखा हुआ है, तब आपके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, वो भी इक्वली वैलिड है, राइट। चलें आगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है मोटर का कंसेप्ट, पहले समझ लीजिए, हम इसको एक बार बेटे फ्यू मिनट्स डिवोट करके कंप्लीट कर लें। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है डियर चिल्ड्रन, बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स एंड हेंस ए मैग्नेटिक टॉर्क। कोई भी करंट कैरियिंग कंडक्टर को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, कल हमने किया था, उस पर F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर का फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से टॉर्क भी लगेगा। सो आपके मोटर में बेसिकली ये है कि जब आप करंट कैरियिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स उसको टर्न कर देगा, उसको टॉर्क में बदल देगा। दूसरी बात, मोटर करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए जरूर लिखनी है बात आपने। ये मोटर अपने आप कुछ भी नहीं बेटे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वली वैलिड रहता है, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी यू आर सप्लाइंग टू दिस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, अपने आप नहीं चल पड़ता ये, आपको नहीं जी बटन दबाया बिजली तो लगी नहीं ऐसे ही चल पड़ा, नहीं, आपका करंट यूज होगा और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बच्चों कन्वर्ट होगी। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करिए, सेटअप की बात करिए, ये आपके पास एक पावरफुल मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने ड्रॉ किया, और बेटे सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम की बात है, और ये आपके पास साउथ पोल उसी मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड है, इसको हमने बी लिख दिया जी। इस रीजन में आपके बार मैग्नेट के अंदर वाला जो रीजन है, एक आर्मेचर कॉइल हमने बेटे ये प्लेस कर रखा है, ये मेटल का बना हुआ है, और आपने यहाँ पे ये एक स्प्लिट रिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, रिंग को तोड़कर दो हिस्से कर दिए, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, दूसरा हिस्सा इधर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ कार्बन ब्रश बेटा इसको आपने अटैच कर दिया, और इस सारे सेटअप को आपने एक बैटरी या सेल से अटैच किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये की आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। आइए समझें अब इसकी वर्किंग वगैरह को। आर्मेचर कॉइल का लेंथ ये वाला L, ब्रेथ ये वाला B के बराबर आप कह सकते हो, मैं ज्यादा इसमें लिखने नहीं जा रहा, फिर खिचमिच सा हो जाएगा डायग्राम, आपको जितना समझाना है उतना ही मैं फोकस कर रहा हूं।
इलेक्ट्रिक करंट आपने जब स्विच ऑन किया तो आई के बराबर का करंट आपका इस आर्मेचर कॉइल में से फ्लो करना स्टार्ट कर देता, राइट। कल आपने मैग्नेटिक फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह सारा डिटेल में किया था। मैग्नेटिक फोर्स एफ जो है बच्चों, दिस इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और यहां पे देखिएगा ये एंगल थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर का है। आपके इस आर्मेचर कॉइल के लेंथ पर जो कि एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा। मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल दूं फिर से, इट विल बी बी इनटू आई इनटू एल इनटू साइन 90 विल बी 1, लिखा नहीं मैंने वो। डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, लेट अस कंसंट्रेट। लेफ्ट हैंड अपना होल्ड करिए, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इट इज पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये फोर्स इस पे लग गया जी अंदर की तरफ, इसको फोर्स को आपने निकाल लिया है इतना, राइट कि नहीं? क्या ए फील्ड ठीक है, करंट ऊपर है, ऊपर अंदर चल गया ये, राइट। शांत रहना है थोड़े से। इस ब्रांच पे देखिएगा, फील्ड करंट नीचे है, फोर्स इज, यस दिस इज द फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, फोर्स है उतना ही। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो बराबर की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में जब लगें तो वो चीज को टर्न कर देती है। इट विल मीन दैट आपका टॉर्क बच्चों होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। तो टॉर्क को आप टाओ से लिखोगे, फोर्स आपका एफ है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ब्रेथ के बराबर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपने लिख दिया बी। सो इट इज इक्वल टू बी आई एल इन टू बी, बेटे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? पक्का? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो भाई। सो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए, और ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटर को रिपेयर के लिए लेके जाते हैं, उसके अंदर एक टर्न नहीं होती, बहुत सी टर्न्स होती हैं वायर के। और अगर आपके मोटर में एक टर्न ना होकर एन के बराबर, एन में भी 1000, में भी 2000, में भी 5000, बहुत ज्यादा टर्न्स होती हैं, तभी टर्निंग इफेक्ट आता है, एक से नहीं आता। अगर एन के बराबर टर्न्स हैं तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा टाओ, इट विल बी इक्वल टू एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए, इतना टॉर्क आपके इस कॉइल पे लगेगा और ये कॉइल को टर्न कर देगा। और यहाँ पे आपने एक शाफ्ट लगाई हुई है, शाफ्ट के साथ पुली अटैच की हुई है, पुली रोटेट करेगी बाय मींस ऑफ बेल्ट्स। आपने जो भी मशीन चलानी है इधर, वो मशीन के साथ इस बेल्ट को टाई कर लीजिए, आपकी मशीन चल पड़ेगी। हाँ है, ये देखो, ये आपका, बेटे ध्यान देना, आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी कुछ नाम रख लो, इस पर फोर्स लगी अंदर की तरफ, इस पर लगी बाहर की तरफ, यही है, ऐसे हो गया, टर्न कर रहा है। अब ये फोर्स अंदर की तरफ जितनी लगी है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेटे टॉर्क। सो बेटे टॉर्क जो होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द आइदर टू फोर्सेस के बीच में, जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट बेटे? रोटेशन, बेटे देखो सीधी सी बात है, लीनियर मोशन में फोर्स जिस चीज को आप कहते हैं, रोटेशनल मोशन में उसी को टॉर्क कह देते हैं, ठीक है? हाँ जी बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चले आगे, देखो अगर एक वायर है आपके पास, एक टर्न है तो इतना आ गया बी आई एल बी आई ए, अगर दो टर्न है टू इंटू बी आई ए, तीन टर्न है तो थ्री इंटू बी आई ए, एन टर्न है तो एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए, राइट? चले आगे,
ईएमएफ फ्लक्स एंड बेटे 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 ध्यान दो भाई ध्यान दो, बातों की तरफ नहीं जाना आपने, समझ लीजिए पहले आपकी कंसेप्ट्स हैं आपके लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट स्टैंड्स फॉर दिस वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई जो है इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं ईएमआई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे जो है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक विद ए गिवन सरफेस जो है उसको बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं लिख देता हूं एक बार फिर समझाता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद ए गिवन सरफेस एरिया। मैथमेटिकली आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको आप बेटे फाई से लिखते हो, ये लेटर फाई कहलाता है और ये मैथमेटिकल फॉर्म में किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पासिंग बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिलेट कैसे कर सकते हैं। आपने जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करनी है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं इस चीज के साथ। आइए देखें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ हमें कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है किसी भी क्वाइल में प्रोड्यूस होगी जब आप उस क्वाइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन जो है वो कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं लिखूंगा अभी, एक मिनट पहले समझ लो। ये आपके पास एक क्वाइल है, कॉपर का क्वाइल आप कह सकते हो। इस कॉपर के क्वाइल के साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है, एमीटर करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है। आपने यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर और बच्चों गैल्वेनोमीटर का स्केल कुछ इस तरीके का होता है, मैं बड़ा बक करके बना देता हूं। ये गैल्वेनोमीटर का सेंट्रल पार्ट और यहाँ पे स्केल लगा होता है कुछ इस तरीके का, सर्कुलर सेमी सर्कुलर सा। यहाँ पे लिखा होता है जीरो, ऐसे एक दो तीन ऐसे करके तीस तक होता है, ऐसे एक दो तीन ऐसे करके तीस तक इधर होता है। आपका पॉइंटर हमेशा जीरो पे पॉइंट करता रहता है। अगर सर्किट में करंट हो तो आपका पॉइंटर इधर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, अगर करंट उल्टा कर दोगे तो डिफ्लेक्शन भी वो उल्टी डायरेक्शन में शो कर देगा, डायरेक्शन बदल देंगे, करंट इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है अगर, तो डायरेक्शन उल्टी होगी ना करंट की। क्लियर? क्वाइल गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिए आपने, ये क्वाइल का एरिया ये देखो, एरिया इतना क्वाइल ने एनक्लोज कर रखा है। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि इस क्वाइल में इलेक्ट्रिक करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो, एक चीज कह लो दोनों में से, वो तब प्रोड्यूस होगी तब पैदा होगी अगर आप इस क्वाइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को सिर्फ लिंक नहीं करोगे वेरी करोगे। अभी तो हमने फ्लक्स लगाया ही नहीं, वेरी कहां से करना है ना, तो हम क्या करते हैं एक मैग्नेट इसके नजदीक लेके आते हैं। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है साउथ पोल की तरफ जाती है,
तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया के साथ लिंक होनी शुरू हो गई, पिक्चर में दिख रही हैं। इसका मतलब है कि इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब मैग्नेट यहाँ पे है। अब हम इसकी वेरिएशन चाहते हैं, वेरिएशन के लिए आप इसको आगे ले आइए, और ज्यादा लाइंस लिंक हो जाएंगी, फ्लक्स वेरी कर जाएगा। ध्यान दो फिर से बेटा, पहला लॉ हमें कहता है आपके सर्किट में क्वाइल में इंड्यूस ईएमएफ तब प्रोड्यूस होगा अगर आप इस क्वाइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करते हैं। ये वेरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वेरी नहीं करेंगे नो ईएमएफ विल बी देयर। इमेजिन करिए, दूसरा लॉ भी पहले सुनो क्या कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो होगा कितना, वो मेजरमेंट हमें बताता है। वो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ई, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका टाइम टी टी वन के बराबर है, आपका मैग्नेट यहां पे पड़ा है, आपका अगर मैग्नेट यहां पे है तो फ्लक्स जो है फाई वन के बराबर कह दूं, राइट। फिर आपने क्या किया, आप मैग्नेट को आगे ले आए, थोड़ा सा और आगे ले आए, तो यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और बढ़ जाएंगी। अब इधर से इधर आने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगेगा, फ्यू नैनो सेकंड ही कह लो, फ्यू माइक्रो सेकंड ही कह लो, टी इज इक्वल टू टी टू कह दें, और फ्लक्स आपका बन गया जी बच्चों फाई टू। फ्लक्स में चेंज कितनी आ गई, इसमें से इसको माइनस करोगे, इट इज फाई टू माइनस फाई वन। टाइम कितना लगा, ना ना ना, टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, यस इट विल बी टी टू माइनस टी वन, टाइम लगा, लग गया ना। चलिए आगे चले देन, तो आपका फेराडे सेकंड लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ ई इट इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, का मतलब होता है चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। अरे ऐसा ही है बच्चों, बता दिया करो जरा। सो ईएमएफ बन गई माइनस फ्लक्स में चेंज कितना है, लिखवाएंगे डेल्टा फाई है, टाइम कितना लगा, डेल्टा टी लगा, ये वैल्यूज डाल दीजिए, ई बन गया माइनस फाई टू माइनस फाई वन ओवर टी टू माइनस टी वन, टी लिख लो या टी टू माइनस टी वन ही रहने, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वो ये कर लीजिए। ठीक है जी, ये आ गई इंड्यूस ईएमएफ, समझ आ गया। एक स्टेप और आगे चलूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, आप ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशनशिप समझते हो। करंट आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी अपॉन आर के बराबर होता है, यहां पे वी नहीं है, यहां पे वी की जगह पे ई है, और आपका जब इसके नजदीक लेके आ रहे हो तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा आपके इस क्वाइल में, और ये जो करंट है क्वाइल के अंदर इट विल बी इक्वल टू बेटा ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना कनेक्टिंग वायर का, ठीक है जी। सो आपका करंट कितना बन गया, इट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई आर, इट इज फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, रादर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट सेटअप। बेटा चेक करिए, बताइए कोई बात नहीं पता चलिए। हाँ साइड पे ही हूं मैं तो भाई, डाइस नहीं साइड पे हो ना, आप इधर आ जाइए, फिर वो बेटे कैमरा फोकस जो है वो हिल जाएगा ना, देख लो। कोई बात आपको समझने में दिक्कत आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं समझा देता हूँ दोबारा। थर्ड नहीं है, नहीं
बताता हूं, सुनिए पहले। इस तरफ देखिए बेटे, थोड़ा सा इस तरफ, इसके कॉन्टिन्यूएशन में बात करूंगा। जब आप इस मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आ रहे हो, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। आपके गैल्वेनोमीटर ने मान लो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर दी, ठीक है। जब आप इसको पीछे ले जाओगे, फ्लक्स में वेरिएशन तो तब भी हो रहा है, चाहे वो कम हो रहा है, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर आपका उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो एग्जामिनर, वो कह देते हैं कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, पहले केस में आप इसको कॉइल के नजदीक लेके जा रहे हो, व्हाट विल बी द आउटकम। दूसरे केस में आप इसको यहां पर स्टेशनरी रख देते हो, व्हाट विल बी द आउटकम। तीसरे केस में आप इसको वापस ले जाओगे, व्हाट विल बी द आउटकम। पहले केस में आपका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, योर गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन आइदर डायरेक्शन, इधर को या उधर को, क्योंकि फ्लक्स वेरी किया है। जब आप इसको यहाँ पे स्टेशनरी रखोगे, पकड़ के वैसे बैठ जाओगे, तो फ्लक्स तो वेरी नहीं किया, आपका डेल्टा फाई जीरो हो गया, ईएमएफ भी जीरो हो गया, करंट भी जीरो हो गया, नो डिफ्लेक्शन विल बी गिवन बाय द गैल्वेनोमीटर, इट विल इंडिकेट जीरो, राइट। तीसरा केस, जब आप वापस लेके जा रहे हो, फ्लक्स अब कम हो रहा है, अब फ्लक्स कम होने की वजह से आपका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर देगा, राइट। इसका ध्यान रखना है, ये बहुत बार प्रीवियसली आपसे पूछा गया है, इसका आपने खास ध्यान रखना है, राइट। चलें आगे, एसी डीसी का फर्क समझिए थोड़ा सा, फिर आपकी मैं, हाँ सुनिए, एमीटर जो है बेटा ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। एमीटर आपका बनता गैल्वेनोमीटर से ही है, गैल्वेनोमीटर में कुछ आप और अल्टरेशंस कर देते हैं, फिर वो एमीटर बन जाता है, वो क्या करते हैं अभी नहीं आपको बताएंगे, राइट। तो आप इस केस में गैल्वेनोमीटर ही यूज करोगे। आप ये कह लो कि अगर करंट थोड़ा होगा तो यहां पर एमीटर उसको रीड नहीं कर पाएगा, अगर करंट थोड़ा भी होगा गैल्वेनोमीटर उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन एमीटर आपको रीडिंग देगा नहीं, इंडिकेट नहीं करेगा, तो वहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता, राइट। एसी डीसी में आपको बताने जा रहा था, अगर कोई और आपका पॉइंट है तो आप पूछ सकते हो, हाँ ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट देखो क्या होता है, क्या ये कौन सी चीज नहीं बेटी, उसकी समझ तो हमें होनी चाहिए ना बेटा, अगर नहीं समझ होगी तो फिर हम प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाएंगे। एसी और डीसी क्या है, डीसी एसी वर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, राइट जी। एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट आपका कहलाता है, और अल्टरनेटिंग करंट ये बेटा 220 वोल्ट पर आपके घर में सप्लाई जो चलती है 220 वोल्ट पे चलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में है, फॉरेन कंट्रीज में वो 60 हर्ट्ज उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है जी। और अल्टरनेटिंग करंट आपका कुछ इस तरीके का है, साइन वेव की फॉर्म में ही होता है, दिस वे, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड कह लो, ये कॉन्टिन्यूसली वेरी करता जाता है और पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये लगातार बदल रही है,
लेकिन इसकी डायरेक्शन इतने टाइम के बाद, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद बदल गई है, फिक्स टाइम है वो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन नेचर। एसी शॉकिंग होता है नेचर में, अगर गलती से आग लग जाए शॉक लग जाता है, अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कई बार। एसी डेंजरस है, एसी को प्रोड्यूस करना आसान है इन कंपैरिजन टू डीसी, एसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों के घरों घरों में पहुंचाना आसान है इन कंपैरिजन टू डीसी, राइट। इसके बाद इसका डायरेक्टली मीनिंग ये हुआ कि ट्रांसमिशन एसी की जो है वो इजी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट आपका बेटे 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज आप रख सकते हो। आपके सिंपल घड़ी में जो सेल डलता है वॉल क्लॉक में, वो 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट का होता है। कार की बैटरी भी डीसी बैटरी होती है, वो 12 वोल्ट तक आपको वोल्टेज दे देती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो जितनी जरूरत उतना आप रख लीजिए, ये आप वेरी कर सकते हैं, इधर भी वेरिएशन कर सकते हैं, जितनी जरूरत हो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट। एसी जो है ये बेटा अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अगर मैं ग्राफिकली शो करना चाहूं, इस तरफ में ये आपका डीसी है, इसमें वेरिएशन तो है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, इट इज कॉल्ड वेरिएंग डीसी, वेरिएंग डायरेक्ट करंट। ये लाइन देखिए नीचे वाली, इसमें नहीं बदल रहा, ये फिक्स्ड डायरेक्ट करंट हो गया। हम ऐसे करंट ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए, क्योंकि आप जब छोटी टॉय की मोटर ऑपरेट कर रहे हो डीसी से, अगर डीसी वेरी करती जाएगी तो मोटर जो है कभी उसकी स्पीड अप होगी कभी डाउन होगी, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीसी जो है दैट इज ए मस्ट, राइट। देन डीसी को प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, आपको लेड एसिड बैटरी बनानी पड़ती है, उसमें एसिड डलता है, एसिड गलती से भी टच हो जाए फिर प्रॉब्लम है उसको, फिर बेटे लेड एसिड बैटरी में आपका कुछ टाइम के बाद बेटे अकमुलेशन हो जाता है लेड वगैरह का, हैवी मेटल्स का, या आप उसकी बैटरी की ईएमएफ कम हो जाती है। आप ऐसे कह लीजिए, घर में इन्वर्टर आप देखते होंगे ना लगा हुआ है, 3-4 साल बाद आपको उसका जो है बैटरी वो चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वो आउटपुट देना बंद कर देता है, उसमें बेटे जो है केमिकल रिएक्शंस दे कम टू एन एंड, लेड उसमें डिपॉजिट हो जाता है। सो डीसी को प्रोड्यूस करना इन कंपैरिजन टू एसी थोड़ा सा मुश्किल काम है, और डीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना और भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज वायर का रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से करंट का काफी लॉस हो जाता है। सो वी विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू फर्दर ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन ऑफ डीसी जो है डिफिकल्ट हो गई है। तो ये इनके भी, और एक बात और है, डीसी शॉकिंग नहीं है, हमें गलती से भी हाथ लग जाए तो कोई शॉक वगैरह नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं, तो चल जाता है 5-4 वोल्ट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा वोल्टेज हो तो थोड़ा सा कई बार 3 होता भी है, अदरवाइज ये डेंजरस नहीं है, राइट बेटा। सो ये आपका दोनों का कंपेरिजन है। कोई आपको बात और पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, एनी पॉइंट यू वॉन्ट टू आस्क। क्या नहीं, स्पीड कैसे आ गई, मतलब हाँ हाँ आप वोल्टेज फिक्स कर लो जितनी भी करनी है, मैं आपका स्पीड से मतलब नहीं समझा बेटा, आप क्या कह रहे हो। हाँ, वोल्टेज देखो, आपके वॉल क्लॉक में एक सेल डलता है, वो 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट उसके ऊपर लिखा होता है। अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए आप 2 सेल सीरीज में लगा लो, 3 वोल्ट हो जाएगा या 4 वोल्ट हो जाएगा। अगर और वोल्टेज बढ़ानी है 3 सेल सीरीज में लगा दो, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। उस केस में आप क्या करते हैं बेटा, कि अगर आपको ऐसा मशीन ऑपरेट करना है जिसमें मल्टीपल सेल्स रिक्वायर्ड है, उन्होंने वहां पर उतना स्पेस क्रिएट किया होता है,
जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा होता है। अगर आप अपना जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वो देखो, आपका जो म्यूजिक रूम में पड़ा है आपका, क्या बोलते हैं उसको, कैसियो वगैरह, उसमें बेटे 8-10 सेल डलते हैं, राइट। तो वहां पे उन्होंने अकॉर्डिंगली स्पेस दिया है। आपके वॉल क्लॉक में एक ही डलता है, वहां पे स्पेस ही उतना है, राइट। तो ये आपकी जरूरत है कि आपको कितने वोल्ट चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करिए। कौन सा? हाँ, सुनिए मेरी बात बेटे, ध्यान, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। जो जो बेटे वॉल क्लॉक में डलने वाले सेल्स हैं, ये सारे ड्राई सेल्स की एग्जांपल्स हैं। जो आप कोई पर्टिकुलर सेल कह रहे हो जी पूरा साल चल जाता है, जो भी है, उसमें क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं बेटा, केमिकल्स उसमें उन्होंने ऐसी फिलिंग की हुई है अंदर उसके, कि वो केमिकल रिएक्शन लॉन्ग टाइम तक चलते रहें और आपको दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस ज्यादा टाइम तक वो बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिलता रहे। तो उन्होंने मे बी उसको केमिकल्स को कुछ ट्रीट करके या कुछ स्पेशल वे में पैक करके डाला होगा, सो इन दिस वे उसका लाइफ थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा। रीयूजेबल सेल सेकेंडरी सेल्स होते हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं। उसमें जो केमिकल रिएक्शन पहले डायरेक्ट वे में हुआ है उसको रिवर्स किया जा सकता। ठीक है जी बेटे, थैंक यू ऑल।